हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो देखिए, सुबह का टाइम है और मैंने नहाने के बाद में थोड़ी सी पूजा कर ली है, उसके बाद में जो है अपनी किचन में एंट्री कर ली है। अभी नाश्ता तो सब लोगों ने कर लिया था, लेकिन लंच की बारी है और लंच में बना रही हूँ मैं आज काली मसूर की दाल, जो कि मैंने उबाल दी है। अभी इसमें तड़का लगाना बाकी है। उससे पहले बच्चों को जो है नहलाया है, तो वो बोल रहे हैं मम्मी हमें कुछ फ्रूट्स दे दो, और बनाना दोनों को बहुत ज्यादा पसंद है। ये मैंने काट लिए हैं, चलिए देकर आते हैं। और गुड्डू जो है वो अपनी क्लास कर रही है, देखते हैं। बच्चे काफी एक्साइटेड हैं, बनाना पसंद है दोनों को, तो दोनों के लिए मैंने एक ही प्लेट में काट दिए हैं और दोनों के अलग अलग काटे। ये देखिए दोनों के फेवरेट हो, ये देखो, ये देखिए कितने एक्साइटेड थे खाने के लिए। अभी नाव आके रेडी हो गए हैं और नंदनी भी खाएगी। भाई नंदनी भी खाएगी, ये मेरा नंदू भी खाएगा। ये आ गया इधर नंदू, और ये देख रहा है इनके चेहरे की तरफ को कि ये क्या खा रहे हैं, मुझे नहीं दे रहे हैं। इसे भी दे दो भाई, बता दो कैसे लगे बनाना। मम्मी नमक भी डालू? अच्छा जी, तो जी ऑर्डर लग चुका है नमक डालने का। आरुष नमक के नहीं खाता बेटा, ऐसे ही खाओ, मीठे बनाना है ये। ये देखो मम्मी, और जब सुबह को भूख लगती है तो बोलती है मुझे ही, मम्मी चाय नहीं बनाते आप? चाय की लगी रहे। चलो नमक भी देकर आते हैं जी। जिस साइड में से आरुषि खा रही है उस साइड में ही नमक डाल दूंगी, क्योंकि आरुष जो है वो नमक के बनाना नहीं खाता है। दाल में 3 सीटियां लगवा दी हैं और फिर बनानी है मुझे ही 4-5 आम। 2 और थे इसमें, वो खराब हो गए हैं। 3-4 दिन से ये आए हुए हैं हमारे पड़ोस में से ही, लेकिन 2 खराब हो गए। और माँ ने बोला था कि ये सारी खराब हो जाएंगे रखे रखे, मैंने सोचा चलिए माँ का मन है खाने का, तो आज बनाते हैं आम की लौंजी। हमारे यहाँ पर बोलते हैं आम की सब्जी, कच्चे आम की सब्जी, और कुछ जगह लौंजी बोलते हैं। तो चलो जी बनाएंगे, पहले दाल के तड़के की तैयारी करते हैं, टमाटर प्याज काट लेते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। चिंकी आज थोड़ी सी सवेरे उठ गई थी, तो चिंकी जो है फिर से सो गई, उसे आलस आ गया है, उसने नाश्ता भी नहीं किया आज, पढ़ने के लिए बैठ गई थी। और ये नाश्ता करने के बाद में अपनी क्लास अटेंड कर रही है और वो सो रही है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में उठ जाएगी, तब तक खाना भी तैयार हो जाएगा। तेल का डब्बा उठा लिया है और क्या बनने जा रहा है, मुझे लग रहा है दाल है, कोई सी दाल है। कल भी दाल, कल चने की दाल थी, आज काली मसूरी की दाल, मलका मसूर जिसे बोलते हैं। अच्छा दाल है ये वाली, आज दाल वार है, आज आलू वार नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो है आलू का वार रहता है, तो उससे हटके आज दाल वार है, और काली दाल वार है आज मसूर की। काली उड़द की भी होती है, पर कई सारी दाल काली होती है और कई सारी काली दाल में काला होता है छिलका, छिलका उसका। और यहाँ पर दाल में काला तो नहीं है, दाल ही पूरी काली है। प्याज चला गया है भगोने के अंदर, तो उनके साथ मिक्स होने के लिए। स्टील का भगोना धोए बहुत सारे, तो स्टील का है भगोना, ये धुआं तो उठेगा इसमें, एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं उसका धुआं, स्टील के बर्तन में ज्यादा होते हैं। कुछ बर्तन ऐसे लाने पड़ेंगे स्टील के और लोहे के। काफ़ी सारे हमारे व्यूवर्स हैं, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स हैं, सजेस्ट करते हैं हमें और सही करते हैं वो, क्योंकि काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है हमें भी, जब कई सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि क्या सही रहता है और क्या गलत रहता है, और काफ़ी कुछ सीखते हैं हम उनसे भी। और जो चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए उन्हें अवॉइड करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन अभी साधन वैसे के वैसे ही हैं, ज़्यादातर बदल नहीं पाए हैं। भविष्य में कोशिश करेंगे इन्हें बदलने की, जो अच्छा रहता है वो इस्तेमाल करेंगे, जैसे स्टील के बर्तन, और पीतल के कुछ रखे भी हैं लेकिन वो यूज़ नहीं करते, अब पता नहीं कारण तो क्या है, वो धरोहर के रूप में संभाल के रखे हैं या कुछ। मेहनत ज़्यादा लगे उन्हें साफ करने में, सबको ईजी सामान चाहिए, ईजी की वजह से तो स्टील के बर्तन ही आ गए, फिर उसके बाद में डिस्पोजल चल गए। डिस्पोजल क्या मतलब, घर में डिस्पोजल का यूज था, ज्यादा मेहमान होते ही पहले क्या करते थे, बर्तन ही यूज करते थे वो, अब क्या करते हैं डिस्पोजल मंगा लेते हैं, छुट्टी करते हैं, उसमें खाना खिला देते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा होता नहीं, आपके यहाँ होता होगा तो मेरा कुछ अलग थोड़ा है, मेरा ही है यहाँ तक जा, मेरा कहाँ है दूसरा।
तो अगर यहाँ की बात बता रही हैं आप तो ये सरासर झूठ है। डिस्पोजल कहाँ यूज करें हैं, कब करें हैं बताओ। नहीं हम तो नहीं करते, लेकिन मैंने कई जगह देखा है। और प्याज नई आ चुकी हैं जो अभी लेटेस्ट सीजन की हैं, वो वाली लेके आया हूँ मैं। लेके क्या आया हूँ, वही मिली है बाजार से। वैसे जो नई प्याज है, नई प्याज में पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं ये सुना है, और इसीलिए मैं लेके आया हूँ नई प्याज। नई तो पुरानी भी मिलती है, लाल वाली प्याज। और लाल वाली प्याज बताते हैं नासिक की होती है ये। यहाँ जो है सफ़ेद वाली प्याज ये लोकल होती हैं हमारे यहीं की। और टमाटर की, टमाटर तो खैर लोकल ही होते हैं ज़्यादातर, आसपास खूब उगाते हैं किसान सब्जी वाले। प्याज, टमाटर, लौकी, भिंडी, हरी मिर्च, खीरे, ये सब चीज़ें जो हैं ये लोकल में ही होती हैं हमारे यहाँ बहुत सारी सब्जी। ये चार आम हैं छोटे छोटे से, क्या करेंगी मैं इनकी बनाऊंगी सब्जी। माँ कई दिन हो ले कह रही, दो तो खराब ही होगी। दिखाइए कहाँ है, छोटे छोटे से चार आम हैं। एक तो बड़ा ही है, आम भी एक दो कटोरी तो बनी जाएगी। ये तो पग्गी पर दरी दरी भी। एक दो कटोरी सब्जी बनाओ इसकी, किसके हिस्से में आओगी। जिसे जिसे ज्यादा पसंद है वो खा लगा, बाकी रहने लगा है। बाकी दाल है, बाकी के लिए दाल नहीं है। एक तो इतनी बड़ी खराब भी होगी वह, क्योंकि वह एक साइड से फटी हुई थी, वो फिर मैंने कूड़े में डाल दी, सारी बेकार होगी। और कुछ ये पन्नी में रखी हुई थी, बच्चों से छिपा कर रख रखी थी मैं, कभी गुड्डू चिंकी ने खा जा कच्ची, क्योंकि उन्हें तो पीली दिखते ही उन्हें तो ऐसा लगा कि ये पखरी। ये नहीं पता कि आम मिट्टी है पकी हुई, आम भी मिट्टी हुए हैं, बस उन्हें ही पता कि हाँ ये पकी हुई आम है। वैसे अब की बार सीजन में आप पके हुए आम नहीं ला रहे, इतने सारे फ्रूट्स तो ला रहे। आ तो जान दो पके हुए का सीजन आया कहाँ है अभी, हमारे यहाँ के नहीं पके, बाहर के आए। महाराष्ट्रियन आम पके हुए हैं, तो एक बार महाराष्ट्रियन भी तो खाने चाहिए, लेके आइए। अब तक बताया नहीं था तुमने, महाराष्ट्रियन भी ले आऊंगी। मैंगो शेक तो बना के पी लेंगे बच्चे, और हम भी पी लेंगे। और देखिए लौंजी बनाने के लिए मैंने ये गुड़ ले लिया है, ये डालूंगी इसमें, यानी कि आम की सब्जी बनाने के लिए। ये पक गई है, खत्ता लग गया है इसमें, अब मैं इसमें गुड़ डाल दूंगी तो ये मीठी हो जाएगी। और ये गुड़ मैं सारा नहीं डालूंगी, थोड़ा डालूंगी। इतना गुड़ इसमें काफी है, और अब ये थोड़ी सी देर में गाढ़ी हो जाएगी और उसका रंग एकदम बदल जाएगा। प्रीति यहाँ पर आटा बना रही है, और ये खास बात है मेरी और प्रीति की कि कितने सारे काम हम जो है इस पेड़ के नीचे बैठकर ही करते हैं। जैसे कि मैंने सारी सब्जियाँ यहीं पर बैठकर काटी है, तो मैंने से बोला तू आटा बना दे। कपड़े धुल चुके हैं, झाड़ू पोछा सब काम हो चुके हैं, गुड्डू की क्लास भी हो चुकी है, ये भी अब फ्री हो चुकी है। मैं आरुष आरुषी को पढ़ा रही हूँ। किसे? आरुष आरुषी को। तो आरुषी पढ़ रही है, आरुष नहीं पढ़ रहा। ये आरुष आरुषी को पढ़ा रही है इस टाइम, खुद पढ़ के। अच्छी बात है छोटे बच्चों को पढ़ाना, अपने बहन भाइयों को खासकर।
तो ये आटा बन जाएगा, मैं रोटियां सेक दूँ, फिर ये फटाफट से सबको लगा कर दे दूँगी। तो चलिए जी, सब्जी हमारी बन के तैयार हो गई है, ये कच्चे आम की खट्टी मीठी सब्जी। और खाने वालों का रिएक्शन देखेंगे जब सब लोग खाएंगे थोड़ी थोड़ी करके। और जहाज आसमान में है, और ट्रेन पटरी पर चढ़ती है, यहाँ चलते है, ये शिप है, ये शिप यहाँ चलती है। कहाँ पे? पानी में। पानी में दिखाओ कौन सा है पानी, जरा ये रहे हो, इसमें शार्क रहता है। शुरू से बता दो यहाँ से पापा, ये कहाँ चलती है? जैसे हम इसमें नहीं, आप नहीं बताओ, मैं कब ऐसे नहीं करो, खुलो वो ऊपर ना खुलो, स्टैचू भी बता दो अपनी मम्मी को, स्टैचू भी है ये रहे, ये स्टैचू भी बता दो अपनी मम्मी को, स्टैचू बताओ जरा, ये कबूतर इसमें नहाते, इसमें और ये मुझे ये बताओ ये कहाँ कहाँ चलते हैं, बताना जरा। अरे ये यहाँ चलते, ये भी चलती है यहाँ, पानी यहाँ चलती है, पानी में, ये सड़क पे, ये यहाँ चलती है। अच्छा जी, रोड पे। अरे ये पटरी पे चलती है, और एरोप्लेन कहाँ चलता है? यहाँ देखा ना। अच्छा, उड़ता हुआ देखा है, ये आसमान है, ये पटरी है। आपको ये वाली लाइन खींचनी है, आपको ऊपर बनाना है, ये फिर मिल गया, थोड़ा सा इधर को जाओ, उससे पैर पैर नहीं लगा करते किताब के, चलो ऐसे रख लो। ड्रॉइंग बाद में करना बेटा, पहले लाइन खींचेंगे, चलो उसमें पहले लाइन खींचो, लाइन खींचनी पहले, लाओ मैं बताऊंगा कौन सी वाली, बटन दबाले, मुर्गी देती है अंडा और बेड देती है ये धागा, और धागा नहीं है इसका नाम, क्या नाम है इसका? ऊन, ऊन देती है ये, और ये गाय क्या देती है? गाय दूध देती है। उसे कम पता, इसे ज्यादा पता, आरुषि इंटेलिजेंट गर्ल। हाँ, धागा नहीं है इसका नाम, ऊन है, ऊन है इसका नाम, ऊन है। हाँ, ये तो किससे मिलती है हमें? भेड़ से मिलती है, भेड़ से मिलती है। गाय क्या देती है? दूध। और मुर्गी क्या देती है? अंडा। जैसे हमारी गाय दूध देती है, हाँ। और हम गिलास भर के दूध का पीते हैं। नहीं, सोचा था।